6.6 का माइलेज दे रही है मेरी बाइक एज यू, मतलब ऑलमोस्ट हमने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया है भाई। भाई शाम के 4:30 हो रहे हैं और धूप अभी इतनी तेज़ है जैसे लग रहा है दोपहर का 2 या 3 बज रहा होगा। और ये अपनी आ गई जीटी भैया खड़ी है, और आज का जो व्लॉग होने वाला है वह ऑन डिमांड, जैसे कुछ लोगों ने मेरे को, वैसे तो चैनल मेरा बहुत छोटा है, गिने चुने ही कमेंट आते हैं, बस उसमें से 1-2 कमेंट्स आए थे मेरे लास्ट या लास्ट टू लास्ट वीडियो पे कि भैया माइलेज कितनी देती है बाइक, और पहली सर्विस हो चुकी है बाइक की, मैंने भी अभी तक माइलेज जो है टेस्ट नहीं करा था इसका, तो मैंने सोचा कि यार माइलेज टेस्ट कर लेते हैं, तुम लोगों को बता भी देते हैं कि थोड़ा सा एंगल सेट कर लूँ मैं, अभी सही लग रहा है मेरे को लग रहा है। ठीक है, चाबी कहाँ यार, चाबी यार, चाबी कहाँ रख दी मैंने, चाबी कहाँ, चाबी कहाँ है, अच्छा पैकेट में ही है। ठीक है, तो अभी सीन क्या है कि अपन आज माइलेज टेस्ट करेंगे इसका, और सबसे पहले चलते हैं फ्यूल अप कराते हैं इसको, एंड तुम देख सकते हो ये 704.7 किलोमीटर चली है, ट्रिप ए 703, ट्रिप बी 704, इसको अपन ट्रिप ए ट्रिप बी को जीरो कर लेंगे जब अपन फ्यूल अप करेंगे उसके बाद से, सो पहले चलते हैं फ्यूल अप कराते हैं। अभी आ गए अपन पेट्रोल पंप पे, फ्यूल अप कराते हैं, तुमको दिखा दूँ 719 किलोमीटर, 711 ट्रिप भी है, ओडोमीटर है 711.9, अपन ट्रिप ए को करते हैं जीरो, ट्रिप बी को भी करते हैं जीरो, ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों जीरो हो चुका है, एज यू कैन सी नहीं है, 4,20,000 भैया, 650। अब भैया इसमें सीन क्या है, पेट्रोल डालो थोड़ा ही मेरे को बस डालना है, और मेरे को माइलेज चेक करना है इसका, है ना, इसलिए पेट्रोल डालो मैं बताऊंगा तो रोक देना, ठीक है, आगे पीछे जाएगा, हाँ वो चलेगा, मैं बस एक बार मेरे को अंदाजा, फिर अगली बार जब दोबारा भरवाऊँ तो मेरे को याद रहेगा कितना भरवाया था मैंने, डालो डालो मैं देख लूँगा जी, डालो, हाँ डालो, बता देना, हाँ मैं बताऊँगा आपको, रुकना रुकना रुकना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हटाओ 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 हटाओ, ठीक है रहने दो, कितना हुआ, 182 ना, 83 है ना, भैया देख लो 183 रुपये का पेट्रोल डाला अपना, ठीक है, कितने लीटर हुआ था, 1.89 ना, 1.89, रुको यार पेटीएम कर देता हूँ, सो एज यू कैन सी ट्रिप ए और ट्रिप बी मैंने दोनों जीरो कर दिया है, और गाड़ी अभी तक चल चुकी है 712 किलोमीटर, 711.9 समथिंग था, 183 रुपये का पेट्रोल मैंने डलवाया है, तुम लोग को मैंने दिखा दिया था कि कितना कितने रुपये का कितना लीटर पेट्रोल आया, उसमें मैंने नोट भी कर लिया ताकि जब हम लास्ट में दोबारा डलवाएंगे फिलअप कराएंगे तो पता चल जाएगा। अब अपने को जाना है एक्सप्रेस वे पे, ठीक है, तो फाइनली अपन पहुँच गए एक्सप्रेस वे पे, यहाँ से एंट्री करते हैं एक्सप्रेस वे पे, अपन बहुत ज़्यादा हार्श राइडिंग है, हाइपर राइडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, आराम आराम से थोड़ा चलेंगे, बीच में छोटे छोटे स्ट्रेच लेंगे, बट कोशिश करूँगा बाइक को 80-90-100 के आसपास ही रखूँ, क्योंकि मुझे ही पता मैं जब ज़्यादा आरपीएम पे या ज़्यादा तेज़ बाइक चलाऊँगा तो सीधी सी बात है बाइक माइलेज नहीं देगी उतना, तो हमें एक लाइक मिक्स करके थोड़ा चलाना है, थोड़ा अभी सिटी लौटते हो थोड़ा सिटी में भी चलाऊंगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ चलाएंगे फिर थोड़ा धीरे चलाएंगे, इससे एक मिक्स माइलेज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इन जनरल क्या माइलेज दे सकती है एक बाइक हमारी, ठीक है, तो अपन थोड़ा सा एक बार निकलते हैं 80-90 का स्पीड टच करते हैं पहले,
के साथ सीन क्या है, अगर आप ज़्यादा आरपीएम पे बाइक को खींचते हो तो वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा जलाती है, इंजन बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करता है, इसलिए अगर आप ज़्यादा आरपीएम पे कभी बाइक चलाओ तो वैसे भी माइलेज हमेशा कम ही देगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिक्स चलाएंगे, ठीक है। और अभी ऑलमोस्ट अपन 5.5 किलोमीटर होने वाला है, अपन 5.3 किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है। और अपन पूरा एक्सप्रेसवे कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 40-50 किलोमीटर तक जाएं, ताकि पेट्रोल थोड़ा सा जले और फिर दोबारा फ्यूल अप कराएं तो पता चल पाए कि कितना हमने पेट्रोल यूज़ किया है और कितने का माइलेज ये बाइक दे रही है। भाई एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है नोएडा ग्रेटर नोएडा का, और मैं वापस यू टर्न लेके एक्सप्रेसवे पे जा रहा हूँ, और हम लगभग 20 किलोमीटर चल चुके हैं। वापस अपन इसी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, और इस बार हम जाएंगे इस एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो कि नोएडा का सेक्टर 18 पड़ता है। वहाँ से अपन थोड़ा सा सिटी राइड करेंगे, सिटी के जो मेन रोड्स हैं वहाँ पर राइड करेंगे थोड़ा सा, तो अपन चलते हैं वापस। लगभग 40 किलोमीटर चल चुके हैं, 38.5 डेढ़ किलोमीटर और चलेंगे 40 हो जाएगा, और पता ही चला भाई 40 किलोमीटर कब हो गया, सही बताओ तो 40 किलोमीटर बिल्कुल पता ही नहीं चला भाई। चलो अपन अभी सेक्टर 18 में है, और यहाँ से फ्लाईओवर पकड़ते हैं, एलिवेटेड रोड पकड़ते हैं आगे से, और अब देखो यार यहाँ पे जो ट्रैफिक है ना, तो यार इन जनरल लोगों को ट्रैफिक में ही चलाने का रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि तुम रोज़ एक्सप्रेसवे पे ही जा रहे हो और रोज़ बढ़िया हाईवे मिल रहा है, एकदम खाली रोड मिल रहा है, कभी ट्रैफिक कभी कुछ, तो अपन माइलेज भी उसी हिसाब से निकालेंगे ना। अब यहाँ पे भी अपना ट्रैफिक मिलेगा मेरे को, अपन ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चल चुके हैं, 49.5 मतलब 50 किलोमीटर चल चुके अपन, और मेरे को लग रहा है 51-52 पे दोबारा मैं फ्यूल अप कराऊंगा, तो देखते हैं पता चल जाएगा कितना माइलेज दे रही बाइक। और यहाँ से थोड़ा ही आगे पेट्रोल पंप पड़ेगा मेरे को, देखते हैं। लेट्स गो। अब यहाँ पे रेड लाइट है, वाओ भाई ग्रीन हो गया, देखा इसको पता था भाई जीटी आ रही तो ये पहले ही ग्रीन हो गया। सो फाइनली अपन आ गए पेट्रोल पंप पे, और मैं तुमको दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चल चुका हूँ। भाई देख लो 53 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं, और अपन दोबारा फ्यूलिंग कराते हैं इसको, फ्यूल अप कराते हैं दोबारा। भैया पेट्रोल डालो इसमें, आप करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मयंक कुमार। भैया जो है करेंगे आज पेट्रोल मेरा, फ्यूल अप करेंगे, पूरा नहीं करना इसमें ना, मैं बताऊँगा आपको तब रोक देना, ठीक है ना। मेरे को चेक करना कितना लास्ट जलवाया था, कितना जला है, ठीक है। मीटर जीरो चेक, ठीक है डालिए। ऑलमोस्ट सेम, कितने का आया है? 219 रुपये। थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लग रहा है, 100 ml थोड़ा भैया ने ज़्यादा डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2.27, ठीक है। हाँ मैं मान के चलता हूँ 200 रुपये पेट्रोल डाला, थोड़ा सा भैया ने ज़्यादा डाला था, ज़्यादा नहीं तो 1.8 लीटर हमने डलवाया था, ठीक है। वहाँ पे अभी हमने 2.27 लीटर, मतलब ऑलमोस्ट हमने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया है भाई, ये 270 ml में मान लो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा ही था, थोड़ा सा ऊपर आया था, ज़्यादा नहीं एकदम हल्का सा ऊपर आया था, वो मेरे को फिंगर से अपने याद था, यहाँ पे मेरे फिंगर पे था जब मैंने डलवाया था, तो अभी हल्का सा ऊपर था, तो मैं 2.27 लीटर जो है 270 ml उसको मैं मानता हूँ कि वो एक्स्ट्रा डल गया था, ठीक है। तो अपन मानते हैं 2 लीटर पेट्रोल डला है, और बाइक चली है 53.2 किलोमीटर,
तो अपन 2 लीटर से 53 को डिवाइड कर देंगे 53.2 डिवाइड बाई 2, तो ऑलमोस्ट 26.6 का माइलेज दे रही है मेरी बाइक। एज यू कैन सी, मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को, 26.6 किलोमीटर का माइलेज दे रही है बाइक अभी के टाइम पे मेरी। ठीक है, वेल दैट्स इट गाइज, तुम लोगों को पता चल गया कि मेरी बाइक कितनी माइलेज दे रही है। आई विल से इट्स क्वाइट गुड यार, पहली सर्विस के बाद इतना अच्छा माइलेज देना भी मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। ठीक है, ओके गाइज, सो माइलेज टेस्ट हो गया है बाइक का, कितने का माइलेज दे रही है तुम लोग को मैंने बता दिया है। बाकी मिलते हैं तुम लोग से जल्दी अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और भी कुछ क्वेरीज है तुमको और भी कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं तुम लोग को ऐसे अपडेट्स देता रहूँगा, बताता रहूँगा। और जल्दी अपने कुछ लंबे ट्रिप्स भी स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट संडे का राइड भी मोस्ट प्रोबेबली प्लान हो रहा है, तो उसका भी ब्लॉग तुमको देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही एक और मेरा वीडियो आने वाला है, इस वीडियो के बाद वो वीडियो आ जाएगा जिसमें मैंने पुरानी और नई GT में जो भी मेजर डिफरेंसेज है उसको कवर करा है, जिसमें मैंने कोलैब करा है मैक्स पेस के साथ। ठीक है, तो उस वीडियो का भी वेट करना, तब तक के लिए चलो लाइक करो, कमेंट करो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।